हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं राहुल एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अकेडमी एसएससी जेई चैनल पर। गाइस, अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो। तो मेरे साथ कौन कौन कनेक्ट हो चुका है? राजन, विकास, ए वेरी गुड इवनिंग गाइज, गुड इवनिंग टू एवरीवन। सो गाइज, वन थिंग दैट आई वांट टू टेल यू, आज की क्लास के अंदर थोड़ा सा टाइमिंग का प्रॉब्लम हो गया था। 6 से 7 आपका एसजीपी का ही क्लास चलेगा, सिर्फ संडे था तो इस रीजन की वजह से आज क्लास 6 to 7 पे लगाया। अदरवाइज एसजीपी आपका 6 to 7 चलेगा और आपका 4 to 5 PM पर ही आपका मॉक टेस्ट होगा। ओके माय डियर, आई होप ये टाइमिंग आप नोट कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। तो सेशन आपको पता ही होगा, जिस तरीके से आपने सेशन के अंदर रिदम बना रखा है, गाइज बना के रखिए। आज भी हर एक सब्जेक्ट के क्वेश्चन को अपन लोग टच करने वाले हैं। स्टार्ट करेंगे बेसिक इलेक्ट्रिकल से और एंड करेंगे बिल्कुल बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स तक, पूरा का पूरा सिलेबस अपन टच करेंगे, सारे क्वेश्चंस होंगे। तो चैनल पे मेरे साथ आखिरी तक बने रहिएगा। सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक ही बात कहूंगा, गेट, एससी, जेईई, किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो तो अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़कर कर सकते हैं। राहुल 11 कोड आप अप्लाई करिए, 10% डिस्काउंट मिलेगा, साथ के साथ गाइज आपको मेरी पर्सनल मेंटरशिप और गाइडेंस भी मिलेगी। ठीक है गाइज, गाइज आप सभी के लिए एक्सेल बैच में 8th ऑफ अक्टूबर से आ रहा है नेटवर्क एनालिसिस पार्ट 2, जिसमें मैं ट्रांजिएंट 2 पोर्ट नेटवर्क, मैग्नेटिक सर्किट्स, 3 फेस पार्ट को टच करूंगा। सो इसमें भी आप राहुल 11 कोड के साथ ज्वाइन हो सकते हैं। सो गाइस, सेशन ज्वाइन होने के लिए क्या करना पड़ेगा? एसएससी एग्जाम का गोल सेट कीजिए। एसएससी एग्जाम में सब्सक्रिप्शन 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ, जो भी आपको पसंद हो वो आप सेलेक्ट करिए अपनी सहूलियत के हिसाब से। अगर नए लर्नर हैं तो 12 मंथ को सेलेक्ट करें और राहुल 11 कोड अप्लाई करने के बाद 10% डिस्काउंट मिलेगा। 6000 का कोर्स आपको 5400 का मिलेगा एसएससी के गोल में। इसका आपको लिंक, इस पूरा का पूरा जो वीडियो है इसका पीडीएफ अनअकैडमी एसएससी जेई टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, इसे सब्सक्राइब कर लेना गाइस। और इसमें मैं आपको पहले 2 मॉक टेस्ट के भी वीडियो पीडीएफ दे चुका हूं, तो आखिरी एग्जाम मोमेंट पे ये आपको पीडीएफ काफी काम आएंगे रिविजन करने में। तो गाइस, इस वीडियो को कर लो शेयर, चैनल को कर लो सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को कर लो प्रेस, ये राहुल सर के साथ आपको हमेशा कनेक्ट रखेगा। सो गुड इवनिंग गाइस, गुड इवनिंग टू एवरीवन। गाइस, इस सेशन को जरा शेयर कर दो स्टूडेंट्स के साथ एक बार, काफी कम बच्चे हैं, शायद उन्हें पता नहीं होगा। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आने वाला गाइस, 30 सेकेंड मिलेंगे आपके। चलिए देखिए गाइस, एक काम जरूर करिएगा, एक पेपर और पेन अपने साथ ले लीजिए और इस पेपर और पेन पर अपने कितने क्वेश्चंस आपके करेक्ट हुए प्लीज वो मार्क करते जाइएगा, रॉन्ग कितने हुए, कितने पे आपसे सिली मिस्टेक हुई। मेरे कहने का मतलब इतना ही है माय डियर, जिससे आप अपना प्रॉपर क्या कर पाओ, सेल्फ रियलाइजेशन हो पाए कि आप कहां स्टैंड कर रहे हैं। सो पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर, गुड इवनिंग गाइस, पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, बताएं व्हाट इज द राइट आंसर। साइमेंस इज द एसआई यूनिट ऑफ, गाइज एक बार सेशन शेयर कर दो यार, काफी कम बच्चे हैं आज के सेशन। चलिए गाइज, चलिए आप सभी के रेस्पॉन्स आ रहे हैं भाई, देखो जो तुम्हारा मन करे वो करो यार। चलिए चलिए, बहुत ही बढ़िया, टाइम अप टाइम अप गाइस। साइमेंस आपको पता है कंडक्टेंस की यूनिट होती है गाइस, है ना, इसकी यूनिट आप मुंह में भी लिख सकते हैं। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कंडक्टेंस क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ओम इनवर्स मुंह या साइमेंस, ठीक है, तो ये सारे के सारे रिप्रेजेंट करते हैं कंडक्टेंस की यूनिट को। तो गाइस ऑप्शन नंबर बी सेकंड बिल्कुल सही है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। चलिए गाइस, नेक्स्ट सेशन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द डायमेंशन ऑफ द इंडक्टेंस। गुड इवनिंग गाइस, डायमेंशन बताएं इंडक्टेंस का क्या होगा, जल्दी बताएं। Which of the following is the dimension of inductance? Inductance का dimension क्या होगा? चलिए, राजेश ने आंसर दिया,
देन कौशिक ने आंसर दिया देन, चलिए चलिए बहुत सही। चलिए गाइज मैं बताता हूं, देखो गाइज इसे कैसे करना होता है। देखो वी एल डी आई बाई डी टी होता है, तो यहां से L आप निकाल लो तो आपको मिलेगा V इज इक्वल्स टू डी आई बाई डी टी। अब इसका भी आपको पता है ये तो फंडामेंटल यूनिट है, I में कनेक्ट होगा, ये क्या होगा आपका T में कनेक्ट होगा, तो आपको किसका पता होना चाहिए, वोल्टेज का पता होना चाहिए, है ना, वोल्टेज का पता होना चाहिए। तो एम एल स्क्वायर टी माइनस का क्यूब माइनस का आई वन, और नीचे आपको क्या मिल गया आई वन टी माइनस का वन, इन दोनों को नीचे ले लो एक एक पार्ट को, ठीक है, एम एल स्क्वायर, ठीक है, ऊपर से कैंसिल हो गया एक टी से, ये पार्ट ये हो गया माइनस का आई वन, ये वाला पार्ट क्या हो गया, ये भी नीचे माइनस का आई वन है, नीचे ले लो इन्हें, एम एल स्क्वायर माइनस का टू, ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट आपका बनेगा, एक मिनट गाइस, हाँ तो ये तो माइनस में ही बनेगा ना। चलिए तो ये वाला पार्ट आप क्या लिख सकते हैं इसे, डायमेंशन भी, हाँ बच्चे ये आता है, आता है, ठीक है, इट विल बिकम माइनस टू, इसे क्यू लिख सकते हो आप, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है, बिकॉज इट इज इक्वल टू क्यू। चलिए हाँ भैया बिल्कुल देख सकते हो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, देखो इतना टफ नहीं आता, छोटा छोटा इजी आ जाता है, चलिए जल्दी बताएं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रू स्टेटमेंट, बहुत अच्छे गाइस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू स्टेटमेंट, टाइम अप गाइज, टाइम अप, टाइम अप। देखो गाइज आप सभी को पता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स कहां से कहां मूव करता है सर, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, तो माय डियर करंट जो है इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है ना, पॉजिटिव से हाइयर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, तो ऑप्शन नंबर बी जो है आप सब जो बता रहे हैं बिल्कुल एग्जैक्ट है, बहुत अच्छे गाइज आपका रिस्पॉन्स फास्ट जा रहा है, सबसे अच्छी बात यह है सारे बच्चे दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पैसिव एलिमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिकल सर्किट, इलेक्ट्रिकल सर्किट के लिए पैसिव एलिमेंट कौन सा होगा, जल्दी बताओ व्हाट इज द राइट आंसर फॉर दैट, आराम से टाइम आपके पास है अभी प्रेजेंट। चलिए पैसिव एलिमेंट, तो माय डियर जो पैसिव एलिमेंट है आपके लिए वो कौन सा हो गया, रेजिस्टर, ठीक है, इट नॉट डिलीवर एनर्जी, ठीक है, जो एनर्जी को डिलीवर ना करे वो क्या हो गया, इट इज द पैसिव एलिमेंट, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही, बाकी सारे के सारे क्या है, एक्टिव है, ऑल आर एक्टिव एलिमेंट, ये भी एक्टिव है, ठीक है गाइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ऑन विच सप्लाई डज द अप्लायंसेस बेस्ड ऑन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट वर्क, कौन सी सप्लाई पर काम करते हैं गाइस, चलिए गाइज बहुत सही, गुड गुड गाइज, चलिए तो यहां पर ऑप्शन नंबर जो है आपका बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर गाइज, है ना, बी इज द राइट आंसर, बिकॉज आपको पता हो कि अगर एसी भी आएगा तो भी ये हीट प्रोड्यूस करता है, और डीसी भी आएगा तो भी आपका हीट प्रोड्यूस होता है, तो बोथ नेचर ऑफ करंट विल प्रोड्यूस द हीट, ठीक है, तो यहां पर आपको जो अप्लायंसेज है वो हीटिंग इफेक्ट चाहे एसी हो या डीसी हो दोनों पे काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
आर्ग, आर्ग इज ए यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर एनर्जी, पावर, वोल्टेज, इंपीडेंस। आज गाइस देखो एकदम से ग्राफ बदल गया बच्चों का, वेरी लेस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रेजेंट, बट कोई बात नहीं, आप सब रहिएगा। बहुत अच्छे गाइस, तो देखिए यहां पर हो गया टाइम अप हो, ठीक है। चलिए तो माय डियर यहां पर देखिए आर्ग, देखिए आप सब ने एनर्जी की जो यूनिट है, अगर एमकेएस में जाएंगे तो आपकी यूनिट होगी एनर्जी की माय डियर जूल, बट अगर आप सीजीएस में लेंगे तब ये आती है आपकी आर्ग, ठीक है, प्लीज टेक केयर ऑफ इट। तो ये सीजीएस में एनर्जी की यूनिट आर्ग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट दैट अबाउट इलेक्ट्रिक वोल्टेज इज ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट है? सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड, ठीक है यार ये तो बहुत बेसिक चीज है माय डियर। चलिए कौन सा स्टेटमेंट है इसमें? बहुत अच्छे गाइस, बहुत ही बढ़िया, शाबाश। देखो यार दो ही बातें हैं यहां पर ट्रू, टाइम अप ऑप्शन नंबर बी, सेकंड इज ट्रू माय डियर। ये जो वोल्टेज होता है यही सर्किट के अंदर करंट को क्या करता है, सर्किट के अंदर करंट के फ्लो का रेस्पॉन्सिबल होता है, करंट के फ्लो का रेस्पॉन्सिबल वोल्टेज होता है, यानी इट इज द प्रेशर एग्जर्टेड बाय द सोर्स ऑन ए सर्किट फॉर द फ्लो ऑफ करंट। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर गाइस, गुड। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, ये एक सर्किट है आपके पास, यहां पर मुझे आप वैल्यू बताइएगा R3 का वैल्यू क्या रहेगा, What should be the value of R3? चलिए आराम से कैलकुलेट करके बताइएगा, What is the value of R3 guys? आराम से कैलकुलेट करो, बिल्कुल देखो गलती नहीं होनी चाहिए, बहुत अच्छे रेस्पॉन्स आ रहा है बच्चों का। चलिए 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 बहुत बढ़िया, अरे यार अच्छा खासा तो दिख रहा है यार, तुम्हें जूम की लग रही है, बच्चे आंसर दे रहे हैं। चलो माय डियर लुक, यहां पर आप देखो, ये देखो यहां पर आपका 100 किलो है और इसके अंदर आपका आ रहा है 10 मिली एम्पियर, तो बच्चे 50 यहां जा रहा है तो यहां से कितना आ रहा होगा, 40 मिली एम्पियर, ठीक है। तो इसके अक्रॉस का वोल्टेज ड्रॉप यानी इसमें कितना आ रहा है, 40 मिली एम्पियर, दोनों बराबर होगा तो 40 मिली एम्पियर एक मल्टीप्लाई बाय R3 इक्वल्स टू किसके रख दो आप, 10 मिली एम्पियर मल्टीप्लाई बाय 100 किलो, तो ये मिली एम्पियर से मिली एम्पियर काटो पहले, ठीक है। तो R3 का वैल्यू कितना हो गया, 1000/40 किलो, तो बच्चे कितना मिल गया, 25 किलो ओम इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी या फोर्थ। चलिए बहुत बढ़िया बेटा, 250 नहीं आएगा माय डियर, 25 आएगा, ध्यान से करो। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, इनमें से फॉलोइंग कौन सा है सर्किट बताओ कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम के टाइम RL बराबर कितना होना चाहिए, RL बराबर किसके होना चाहिए फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। ठीक है, यह आपका RI दे रखा, ठीक है, यह आपका RL दिया हुआ। चलिए गाइज बहुत ही बढ़िया, तो गाइज आपको कुछ बेसिक्स पता होना चाहिए। देखो लोड रेजिस्टेंस जो होता है वो वेरी कब होगा आपका, वो जब वेरी होगा, लोड रेजिस्टेंस वेरिएबल होगा, तो फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम RL जो है आपका RTH के बराबर होना चाहिए या इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर होना चाहिए। तो यहां पर RL बराबर RI
फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। तो जो पावर होगा आपका VTH स्क्वायर 4RL, ठीक है गाइस। और यहाँ एफिशिएंसी आपकी हो जाएगी 50%। ये दो डाटा आपको याद रखना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट। यस यस, एक और डाटा याद रख लो, बहुत अच्छी बात बोली है विकास की, यूज इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। सबसे ज्यादा यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए यहां पर आपको थेवेनिन रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, वो थेवेनिन वोल्टेज ए और बी के अक्रॉस, ए और बी के अक्रॉस फाइंड आउट करें ईटीएच को कितना होगा। चलिए गाइस जल्दी बताएं, ए और बी टर्मिनल के बीच में फाइंड आउट करो आप। चलिए गाइस टाइम अप, देखो यार यहां पर आपको फाइंड करना, तो ये सर्किट तो ओपन है, यहां तो आप टेंशन भूल जाओ। यानी 6 वोल्ट के अक्रॉस जितना वोल्टेज होगा वही मेरा क्या बनेगा, ईटीएच बनेगा। वोल्टेज डिवीजन रूल लगा दो आप, बचाई क्या, 6 के अक्रॉस निकालना है, 6 प्लस 4 कर दो बच्चे आप, मल्टीप्लाई बाय 50 कर दो, तो आपको आ गया 30 वोल्ट। चलिए नेक्स्ट, नॉर्टन करंट फाइंड आउट करें ए और बी के बीच, ए और बी के बीच में व्हाट इज द वैल्यू ऑफ नॉर्टन करंट, नॉर्टन करंट की वैल्यू। क्या होगा गाइस जल्दी बताओ। देखो गाइस नॉर्टन करंट को फाइंड करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, ये वाला जो रास्ता है आप इसे भूल जाओ, इसे शॉर्ट कर दो। नॉर्टन करंट के लिए हमेशा एक ही ट्रिक याद रखो, अगर आपको थेवेनिन आती है तो VTH निकाल लो, RTH निकाल लो, इसके अक्रॉस VTH निकालो। बच्चे VTH का वैल्यू कितना हो गया, मल्टीप्लाई बाय 360। तो बच्चे ये आ गया 300 वोल्ट। RTH का वैल्यू कितना हो गया, RTH का वैल्यू माय डियर 30 पैरेलल 150 हो गया, 180, ठीक है। तो आप इन दोनों को क्या कर देना, सॉल्व करिएगा, तो ये आपको मिला 6। तो आप यहां पर वैल्यू रख दो 300 बाय 150 अपॉन 6, ये हो गया 2, ये ऊपर गया, 6 into 2 will become 12 ampere. कितना आया गाइस, 12 ampere, ठीक है 12 ampere. तो ये शॉर्टकट ट्रिक है ना, आपको कहीं भी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सीधा इस तरीके से कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। गुड इवनिंग गाइस, चलिए नेक्स्ट बताएं भाई, एक पैरेलल आरएलसी सर्किट दिया गया है, डीसी सोर्स के साथ लगा हुआ है, तो बताएं कितना करंट फ्लो हो रहा है सर्किट के अंदर एम्पियर्स में, 0, 0.5, 1 और 2। चलिए गाइज टाइम अप होने वाला है, टाइम अप। चलिए सो गाइज यहां पर देखते हैं, देखो गाइज ये क्या है बच्चे, ये डीसी पे लगा हुआ है, तो डीसी पे स्टेडी स्टेट में यानी फाइनल कंडीशन में, ठीक है, आपका जो कैपेसिटर है इट विल बिहेव एज एन ओपन सर्किट। तो ओपन सर्किट होने का मतलब क्या हो गया, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। तो यहां पर आपका करंट क्या हो गया, जीरो, ठीक है। चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट इफ करेक्ट अबाउट आरएलसी, जल्दी बताएं गाइस।
आरएलसी के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? टाइम अप गाइस, टाइम अप। चलिए गाइस देखो, बैंडविड्थ जो होती है आर बाय एल, याद रखो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। बहुत बार बैंडविड्थ का फॉर्मूला क्या कर दिया जाता है, लोअर कट ऑफ माइनस हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये भी फॉर्मूला है वैलिड, लेकिन आरएलसी के केस में ये फॉर्मूला भी होता है माय डियर, इसे आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहां से आपको पता चल गया कि बैंडविड्थ जो है वो रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर इसका वैल्यू बढ़ेगा तो बैंडविड्थ का वैल्यू भी बढ़ेगा, और अगर इसका वैल्यू गिरेगा तो बैंडविड्थ का वैल्यू भी गिरेगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है, अगर बैंडविड्थ डिक्रीज होगी तो डिक्रीज इन रेजिस्टेंस। गुड गाइज, बहुत अच्छे, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, इंपल्स रेस्पॉन्स ऑफ आर एल सर्किट इज, इंपल्स रेस्पॉन्स ऑफ आर एल सर्किट क्या होगा माय डियर? चलिए गाइस, व्हाट इज द राइट आंसर फॉर दैट क्वेश्चन गाइस? चलो गाइस, टाइम अप, टाइम अप। देखो गुड गाइस, देखो यहां पर क्या इंडक्टर लगा हुआ है ना, तो इंडक्टर जब लगा होगा तो गाइस जो आपका करंट होगा, देखो करंट में ये वाला वैल्यू आएगा आपका e का पावर माइनस R by L T, ये वाला फंक्शन रहेगा। तो यानी आपका जो वैल्यू डिकेइंग होगी वो एक्सपोनेंशियली डिकेइंग होगी। समय के साथ मतलब द वैल्यू विल गेट डिक्रीज 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 एंड बिकम जीरो। तो ऑप्शन नंबर बी, बहुत अच्छे, शाबाश। चलिए गाइस, एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटी ओवर ए साइकिल व्हेन एक्साइटेड बाय एन एसी सोर्स क्या होगा? बताओ, एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर ओवर है, ठीक है, जल्दी बताओ। देखो यहां काफी बच्चे आंसर दे रहे हैं, चलिए टाइम अप। देखो गाइस, आप एसी सोर्स लगाओगे है ना, तो एक बार ये पॉजिटिव होगा एक बार नेगेटिव होगा, यानी एक बार कैपेसिटर क्या करेगा, एनर्जी को स्टोर करेगा, और अगली बार ये एनर्जी को क्या करेगा कैपेसिटर, तो डिलीवर करेगा। तो माय डियर जो नेट इफेक्ट हुआ एनर्जी का वो क्या हुआ भाई, इट विल बी कंजर्व फॉर ए फुल साइकिल, जीरो। ना ही ये स्टोर करेगा फॉर एसी को, ना ही क्या करेगा, चलिए ऑप्शन नंबर डिलीवर करेगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट। बताएं गाइस, इंपीडेंस एट रेजोनेंस ऑफर्ड बाय पैरेलल रेजोनेंट सर्किट इज, डायनेमिक डायनेमिक रेजिस्टेंस पूछा है गाइस यहां पर। टाइम अप गाइस, देखो यार ये याद रखना है आपको, जो डायनेमिक रेजिस्टेंस आपको मिलता है और द वैल्यू इसकी क्या होगी, मैक्सिमम। ठीक है, चलिए पैरेलल के केस में ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट गाइस, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द क्वालिटी फैक्टर ऑफ ए सीरीज आरएलसी सर्किट? सीरीज आरएलसी सर्किट के लिए कौन सा क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला है बताएं? विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द क्वालिटी फैक्टर ऑफ सीरीज आरएलसी सर्किट?
गुड गाइस गुड। टाइम अप गाइस, टाइम अप। देखो क्वालिटी फैक्टर अगर सीरीज के लिए बात करोगे गाइस तो इसके लिए फॉर्मूला होता ही ये वाला, ठीक है। और अगर आप पैरेलल के लिए बात करोगे ये वाला, तो बहुत ये वाला आपके लिए सीरीज में पूछा है तो सीरीज वाले के लिए आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है गाइस। चलिए बताओ, टू पैरेलल वायर्स दिए हुए हैं आपको, डिस्टेंस डी सेपरेटेड है, तो कैरिंग डीसी करंट कर रहे हैं इन द सेम डायरेक्शन, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? कौन कर रहा है भैया? नो सर, कौन कर रहा है यार? चलो चलो भाई चलो आगे बताओ। चलिए गाइस टाइम अप। देखो यार काफी सारे बच्चे जो हैं इस पे कंफ्यूज्ड हैं। देखो यार आप सबको ये वाला सभी को याद होगा कि अगर आप सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है तो ये दोनों क्या करेंगे एक दूसरे को, जल्दी बताओ क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। बट वो यहां पर ये नहीं पूछ रहा आपसे, ये जो अट्रैक्शन होता है ये फोर्स का नेचर होता है, तो फोर्स जो लग रही है वो तो अट्रैक्टिव लगेगी, बट जो अगर आप इसके अंदर अपना राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे तो इससे जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी वो क्या मिलेगी बताओ? इट विल बी एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। यहां से आप लगाओगे तो इट विल बी कम क्लॉकवाइज, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगी यहां पर? कैंसिल करेंगी। तो कैंसिल करेंगी तो नेट इफेक्ट कितना हो गया? जीरो, ऑप्शन नंबर बी। तो मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट यहां पर इनके मिड में क्या होगा? जीरो, याद रखो। नेक्स्ट, द मेन एडवांटेज ऑफ टेम्परेरी मैग्नेट इज दैट, चलिए बताएं, द मेन एडवांटेज ऑफ टेम्परेरी मैग्नेट इज दैट वी कैन गुड गाइज गुड गुड गुड। टाइम अप टाइम अप। देखो यार यार तुम सभी को बताया कोई आयरन का पीस ले लो, उसके ऊपर तुम क्या करो नंबर ऑफ टर्न्स को क्या कर दो इस तरीके से पुट कर दो और एक करंट को सप्लाई कर दो, तो यहां पर क्या होगा? एमएमएफ जाएगा, फ्लक्स फ्लो होगा, ये मैग्नेटाइज होगा, इट विल बिकम इलेक्ट्रोमैग्नेट, इट विल बिकम इलेक्ट्रोमैग्नेट, और यहां पर जो प्रोड्यूस होने वाला फ्लक्स है वो क्या है? एनआई बाय रिलक्टेंस के प्रोपोर्शनल है। तो अगर मैं फ्लक्स की वैल्यू को चेंज कर सकता हूं, अगर मैं करंट का वैल्यू बढ़ा दूं या मैं करंट का वैल्यू को कम कर दूं, ऐसे ही मैं नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ा दूं या नंबर ऑफ टर्न्स को कम कर दूं तो फ्लक्स रेस्पेक्टिवली चेंज होगा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का या टेम्परेरी मैग्नेट्स का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि हम इन्हें अपनी मर्जी के हिसाब से क्या कर सकते हैं, ठीक है, सब चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अबे भैया बेसिक के नहीं है, तुम्हारा एसी फंडामेंटल हो गया, बेसिक्स हो गया, मैग्नेटिक सर्किट हो गया, फालतू की बातें हैं, सवाल लगाने से मतलब नहीं है। चलो, पोटेंशियल इनसाइड ए चार्ज हॉलो स्फीयर इज, जब मैंने बोला सारे क्वेश्चन होंगे तो यार सारे होंगे, मेरा काम मजाक करने का नहीं है स्टूडेंट के साथ, मजाक या टाइम पास करने नहीं आता डियर। चलो बताओ गाइस व्हाट शुड बी द आंसर। बहुत अच्छे गाइस, पोटेंशियल क्या होगा? चलो तो यहां पर ये कहते हैं कि एग्जामिनर जो गलती करवाना चाहता था इस क्वेश्चन के अंदर, यार वो गलती करा गया, और गलती वो बच्चा करके जाएगा जिसने चीजों को सही से नहीं पढ़ा। अब स्फीयर के अंदर उसने 12वीं क्लास से पढ़ रखा है कि हॉलो स्फीयर जो होता है उसमें कुछ जीरो होता है, उसके दिमाग में जीरो घूम रहा है, यार ये जो जीरो होती है ना ये इलेक्ट्रिक फील्ड होती है,
ये इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। इसके अंदर जब अगर आप पोटेंशियल पूछा है आपसे वोल्टेज, तो पोटेंशियल जो है वो इसकी सरफेस पर आ जाता है, इट विल रिमेन कॉन्स्टेंट, इट विल रिमेन कॉन्स्टेंट, इट विल रिमेन कॉन्स्टेंट। तो अगर जीरो आएगा माय डियर, तो ये बात करेगा हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की। और बेटा अगर यहां पर पोटेंशियल पूछा है तो भैया ये सेम होगा, ये कॉन्स्टेंट होगा पोटेंशियल। चलो नेक्स्ट बताओ, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक परमेबिलिटीज। लगता है टाइमिंग गड़बड़ हो गई तो बच्चों को शायद पता नहीं चला आज के सेशन का। गाइस आप सबसे एक रिक्वेस्ट है यार, थोड़ा शेयर कर दिया करो सेशंस को। मैग्नेटिक परमेबिलिटी, ठीक है, तो मैग्नेटिक परमेबिलिटी जो है माय डियर वो क्या होता है, रेशियो ऑफ बी बाय एच सेकेंड। ठीक है चलिए, गुड गाइस, बहुत अच्छे, शाबाश, सही जा रहे हो बेटा। नेक्स्ट चलिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू कॉइल्स दी गई हैं आपको, 3 और 5 हेनरी की, कनेक्टेड है सीरीज अपोजिशन में, तो उनका म्यूचुअल कपलिंग कॉफिशियंट भी दिया है, तो इक्विवेलेंट इंडक्टेंस बताना आपको। चलो कैसे निकालेंगे गाइस जल्दी बताओ, व्हाट इज द राइट आंसर। चलिए मैं बता, देखो इसके लिए करना क्या होगा आपको, एल इक्विवेलेंट आपको निकालो, एल वन प्लस एल टू माइनस टू एम आप यूज करोगे, क्योंकि अपोजिस जो जो डाटा लिखा है उसने अपन उसका यूज करते जाएंगे, और अगर एडिटिंग बोल देता है तो अपन ये वाला यूज करते। फिर हमें एक फॉर्मूला और पता है, m का वैल्यू k बाय l1 l2 से निकलता है, तो पहले अपन इसे भी निकाल लेते हैं वैल्यू को, 3 × 5, तो माय डियर जरा निकाल के बताओ ये वैल्यू कितना है आपका, मुझे तो ऐसे कैलकुलेटेड नहीं है, कोई बता सकता है व्हाट द वैल्यू दैट यू हैव बीन फाउंड। तो ये जाएगा 3.3 और ये वैल्यू अराउंड आएगा आपका को 2 point something क्या है, That value has been came around 2.3, ठीक है, फिर क्या करो, 3 + 5 - 2 × 2.3 पुट करो, तो ये आया 8 आपका 4.6, तो लगभग ये वैल्यू आपको कितना देके गया, 3.4 कह रहा हूं, तो 3.4 के आसपास वैल्यू है बी। चलो यही आया ना आंसर, चलो ऑप्शन नंबर बी। तो आपको इस तरीके से आपको यूज करना है बस ये छोटे छोटे बेसिक फॉर्मूलेस, व्हाट विल हैपन टू द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी प्रोड्यूस इन ए मटेरियल इफ द मैग्नेटिक मैग्नेटाइजिंग फोर्स इज इंक्रीज्ड। जल्दी बताओ गाइस, डेंसिटी पर क्या असर पड़ेगा, चलिए बहुत अच्छे गाइस, देखो यार सबको बीएच कर्व से पता है ये वाली बात कि जब तक पॉइंट ऑफ सेचुरेशन नहीं आता ये बढ़ता चला जाता है और एक पॉइंट के बाद सेचुरेट हो जाता है, तो यानी बी इज इक्वल टू जो है म्यू एच, तो बी आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एच के, जितना आप मैग्नेटाइजिंग फोर्स देंगे उतना ही मटेरियल मैग्नेटाइज होगा अप टू द लेवल ऑफ सैचुरेशन। अब इसमें आपको याद रखना है एक एयर का एग्जांपल याद रखना है, एयर में आपको ये रिलेशनशिप ऑलवेज लीनियर मिलता है,
क्योंकि ये एयर क्या नहीं होती है, कभी भी सेचुरेटेड नहीं होती। तो ये वाला कर्व कैसे जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो यार ये डाटा भी आप याद रखें। यस यस यस, तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ए वन। शाबाश। आज हो सकता है यार एनर्जी लेवल आपको उस लेवल का ना मिले, थोड़ी सी तबीयत ऐसे ही है। चलिए, बट आप सब बहुत अच्छा रेस्पॉन्स दे रहे हो। बताओ भाई, इन वायर वाउंड स्ट्रेन गेज द चेंज इन द रेजिस्टेंट अंडर स्ट्रेन कंडीशन इज मेनली ऑन अकाउंट ऑफ। मैं ठीक हूं। नहीं नहीं यार, थोड़ा सा ना देखो, ये तो चलता रहता है ना, हेल्थ इज वेल्थ वाली कंडीशन है ना सब। हेल्थ अच्छी होती है तो एनर्जी का लेवल भी हाई होता है ना। बट फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं कि चीजें बनी रहे। चलिए बताओ यार क्या होगा इसका आंसर। बोथ, बिल्कुल सही। देखो यार, रेजिस्टेंस यहां जो चेंज होता है, स्ट्रेन, स्ट्रेन मतलब यार देखो स्ट्रेन गेज वगैरह में क्या होता है ना आपका, कि अगर कितना आपका स्ट्रेन फोर्स लगी उसे कैलकुलेट करने के लिए आपका रेजिस्टेंस में कितना चेंज आ गया। तो अगर आप इसे कैलकुलेट कर लो, चेंज इन एरिया को कैलकुलेट कर लो, तो आप रेजिस्टेंस को कैलकुलेट कर लो, चेंज इन रेजिस्टेंस आप कैलकुलेट कर लो। तो ऑप्शन नंबर क्या, बोथ लेंथ एंड डायमीटर ऑफ वायर, ठीक है, मेजरमेंट में है, ठीक है। ऑप्शन नंबर थ्री, बोथ बोथ, ठीक है। चलिए, यही एक क्वेश्चन है जो आता है, एक तरीके से समझो ये कौन सा वाला सब्जेक्ट है, हो गया आपका मेजरमेंट का भी, प्रोसेस कंट्रोल वाला जो होता है लास्ट का पार्ट, कभी कभार आ जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस। चलो आगे बताओ, बताएं। क्या होगा, विच इज नॉट द एडवांटेज ऑफ पीएमएमसी टाइप इंस्ट्रूमेंट। नॉट एन एडवांटेज, देखो इनका जो है फ्रिक्शनल एरर इज लो, ये कोई एडवांटेज नहीं हुआ यार। नॉट एन एडवांटेज, एक तरीके से ये पूछ रहा है, डिसएडवांटेज के बारे में बात कर रहा है। और अगर फ्रिक्शन फ्रिक्शन एरर लो है माय डियर, तो एक तरीके से ये तो एडवांटेज हो गया ना, ठीक है, एक तरीके से ये तो एडवांटेज हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए, फ्रिक्शनल एरर इज लो, हालांकि इसके अंदर एरर होती है इंस्ट्रूमेंट के अंदर, ठीक है। चलो नेक्स्ट, एक्सटेंशन ऑफ ए मूविंग आयरन एमीटर रेंज कैन बी डन बाय यूजिंग, एक्सटेंशन ऑफ मूविंग आयरन एमीटर रेंज कैन बी डन बाय यूजिंग, कैसे बढ़ाएंगे, शंट मल्टीप्लायर कैपेसिटर इंडक्टर। टाइम अप होने वाला गाइस, चलिए चलिए बहुत बढ़िया गाइस। यहां पर देखो, तो अपन पैरेलल में क्या लगाएंगे, यहां पर शंट रेजिस्टेंस, वैल्यू निकालना हो इसका तो आर एम बाय एम माइनस वन, ठीक है। क्या होती है ये, लो रेजिस्टेंस वैल्यू, ऐसे भी पूछ लेता आपसे, लो रेजिस्टेंस वैल्यू इन पैरेलल, ठीक है, पैरेलल ऑफ एमिटर। तो माय डियर यहां पर आंसर क्या हुआ, शंट। बहुत से बच्चे कर रहे हैं मल्टीप्लायर, माय डियर मल्टीप्लायर यूज फॉर वोल्टेज यानी वोल्ट मीटर। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर।
बताओ भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रू अबाउट द सीटी ट्रांसफॉर्मर? कोई बात नहीं गाइज, आज वैसे भी सेशन 4 बजे होना था, बट किसी रीजन की वजह से, वो मेरी वजह से ही हुआ कि टाइमिंग जो है वो शीट में कुछ गलत फिल हो गई थी, तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, किसी की कोई गलती नहीं है, ठीक है? इस पे पॉइंट पे थोड़ा मेरा ही एरर रहा, वरना अदरवाइज आज स्टूडेंट भी ज्यादा ही होते। चलो सीटी, बच्चे देखो सीटी यूज करते हैं अपन हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन, तो ये क्या करते हैं माय डियर, ये इंक्रीज करते हैं रेंज को, इंक्रीज द रेंज ऑफ एमीटर, वो भी कौन सा, एसी वाला, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ट्रांसफॉर्मर है, दिमाग में डालने की जरूरत ही नहीं शक कि आपको ये डीसी पे काम करेगा, डीसी पे करेगा ही नहीं, है ना। चलो तो ऑप्शन नंबर जो आपका 3 है बिल्कुल सही है, ठीक है गाइस, आप सबको ये भी पता होगा इसकी सेकेंडरी साइड को क्या रखते हैं अपन, क्लोज। बताओ भाई, विच एलिमेंट इन सीआरओ इज यूज टू कलेक्ट सेकेंडरी एमिशन इलेक्ट्रॉन्स? गुड गाइस, टाइम अप। तो यार देखो सेकेंडरी एमिशन होता क्या है एक्चुअली, ये जैसे आपकी स्क्रीन है ना, तो इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो इलेक्ट्रॉन जब इससे स्ट्राइक होते हैं, तो स्ट्राइक होने के बाद क्या होते हैं, वापस कुछ रिफ्लेक्ट होते हैं, तो यहां पर आप जो होते हैं इस साइड पर, जिससे आपके जो ये इलेक्ट्रॉन फिर से बाउंस बैक ना हो, तो यहां पर आप एक्वर्ड एक्स सॉल्यूशन लगाते हैं, एक्वर्ड एक्स सॉल्यूशन, और ये एक्वर्ड एक्स सॉल्यूशन क्या करता है गाइस, इन इलेक्ट्रॉन्स को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर गाइस। पता नहीं बच्चे ये सिर्फ कंफ्यूजन के लिए डाल दिया हो। एनक्लोजर ऑफ मोटर इज मेड फ्रॉम, किससे बना हुआ होता है, कॉपर, एल्यूमिनियम, कास्ट आयरन या लैमिनेटेड शीट? गुड नाइट डियर। चलो टाइम अप गाइस। देखो यार इस क्वेश्चन को तो आप यहां से भी क्रैक कर सकते हो कि कॉपर और एल्यूमिनियम तो सर गुड कंडक्टर ही है, तो होने के ही नहीं, लैमिनेटेड शीट एकदम बकवास बात, तो मोटर यानी योक जो आपका होता है वो बनता है किसका, कास्ट आयरन के, क्यों बनाते हैं इसे भी, फॉर कॉस्ट इफेक्टिवनेस, ठीक है, इसके अंदर का जो कोर होगा वो आप स्टील वगैरह का यूज करेंगे, बट यहां पर कास्ट आयरन इसका राइट आंसर है। The machine which work on the dynamically induced EMF is chalk, DC generator, transformer, motor. पल्लव सर भी आ गए हैं आपके लिए यहां पर, पल्लव सर भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं आपके साथ। चलिए क्या सर हैं, बड़े बड़े लोग दर्शन दे रहे हैं। चलो सर, द मशीन विच वर्क ऑन द डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ इज,
ऑप्शन नंबर बी। गुड गाइस, ऑप्शन नंबर बी डीसी जनरेटर, ठीक है ये पता होना चाहिए आपको, है ना। और इसके अंदर कौन सा होता है गाइस ये भी बता दो यार एक बार। डीसी जनरेटर में फ्लेमिंग का कौन सा रूल यूज करते हैं अपन, फ्लेमिंग रूल बताओ यार। चलो ये भी पूछते हैं, बहुत बार आता है, कौन सा रूल यूज लगता है डीसी जनरेटर में, जल्दी बताओ जल्दी। राइट हैंड रूल, शाबाश। मोटर में कौन सा लगेगा फिर, लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है गुड गुड। इन्हें याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आर जी एल एम, ठीक है आर जी एल एम, ये पॉइंट आप बना के रखना अपने लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है गाइस। और माय डियर अगर मैं आपसे पूछूं ट्रांसफॉर्मर के अंदर कौन सा ईएमएफ इंड्यूस होगा, स्टैटिस्टिकली या डायनेमिकली, गुड इंड्यूस्ड ही। चलो 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 बहुत बढ़िया, गजब गाइस गजब, गजब का रिस्पॉन्स है तुम सबका। चलो द पावर ट्रांसफॉर्म, पावर ट्रांसफॉर्मर है यार ये, हो गया ये ट्रांसफॉर्मर। द ब्रीदर, जो ब्रीदर आपने देखा होगा है ना, लगा रहता है बाहर की साइड में टैंक के पास में, तो गाइस उसका पर्पस क्या होता है, व्हाट इज द मेन पर्पस। बी, बहुत बढ़िया गाइस बहुत बढ़िया शाबाश। देखो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने आंसर एकदम दे दिया ब्रीदर के बारे में, तो माय डियर आओ थोड़ा ब्रीदर के बारे में पढ़ लो। ब्रीदर किसका बना हुआ होता है, कौन सा जेल होता है यहां पर, जल्दी बताओ। उसके बाद आपका इसका कलर कौन सा होता है गुड कंडीशन में, वायलेट या ब्लू। और जब इसे चेंज करना होता है तब कौन सा होता है ये आप बताओगे, सिलिका। तो चेंज करना होगा तो कौन सा होगा, पिंक, ठीक है पिंक कलर का। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने, ऑप्शन नंबर बी क्या करता है, ये मॉइस्चर को प्रिवेंट करता है, ठीक है मॉइस्चर, ठीक है। जिस तरीके से आपका अगर ट्रांसफॉर्मर के अंदर मॉइस्चर जाएगा तो कोर में क्या लगेगा, रस्ट लगेगा, इंटरनल पार्ट डैमेजेस हो जाएंगे, उन्हें ये प्रिवेंट करता है। गुड गुड गाइस गुड, बहुत बढ़िया। स्टार्टिंग में ब्लू या वायलेट और चेंज करने की कंडीशन में पिंक कलर का हो जाएगा ये, ठीक है गाइस। चलिए आपने हर जगह देखा होगा, आप कोई भी नया सामान खरीदते हैं या कोई भी चीजें आप फ्लिपकार्ट से, मैं तो कहीं ना कहीं आपने देखा होगा सिलिका जेल के पैकेट्स आते हैं, है ना। चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग लॉस इज टुगेदर कॉल्ड आयरन लॉस, गुड नहीं भैया पिंक गुड नहीं होता, ठीक है बिल्कुल सही बिल्कुल सही, विकास ने एकदम सही बताया। चलिए गाइस ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी सबने सही बताया। देखो यार आयरन लॉस मिलाकर बनता है किस किस से, सर एडी प्लस हिस्टेरेसिस, दूसरी बात
यहां ये बताओ यार, नो लोड करंट कितने टाइम्स होती है फुल लोड करंट की, जल्दी बताओ, ये चीजें पूछी जाती हैं यार। चलो भैया अभिजीत, अभिजीत का नाम ले लेते हैं भाई। चलो ये बताओ यार, नो लोड करंट ट्रांसफार्मर में फुल लोड के कितने होती है? हाँ, 3 से 5 या 2 से 5, जो भी डाटा है इतनी रेंज में ये वैलिड है भाई। चलो अब जब एफिशिएंसी मैक्सिमम होगा तो ये आयरन लॉस, यानी आपके जो कॉपर लॉस है, आयरन तो फिक्स ही रहने, ये तो बदलेंगे नहीं, आपके कॉपर लॉस जो होंगे माय डियर, कॉपर लॉस माय डियर इक्वल्स टू आयरन लॉस, ठीक है, एट द टाइम ऑफ एफिशिएंसी मैक्सिमम। ये सब डाटा अपने साथ रिवाइज करते रहा करो यार। चलो कौन सा इनमें से इंपॉर्टेंट फीचर है थ्री फेज सिंक्रोनस मोटर का? शाबाश, आप तुम सबने यार दिल खुश कर दिया है, किसी भी बच्चे के मुझे नहीं लग रहे गलत होंगे, और ये सब आए हुए क्वेश्चंस हैं कहीं ना कहीं, तो तैयारी सही जा रही बेटा, ये चैनल तुम्हें लेके जा रहा है सही डायरेक्शन में, रट गए हैं तुम्हें सवाल, जल्दी बताओ। चलो यार बहुत अच्छे गाइस, मेरी तबीयत सही नहीं थी फिर भी तुम सबका हौसला देख के ना मेरे को हौसला आ गया, तो आप और मैं एक दूसरे को मोटिवेट करते रहते हैं, कभी आप मुझे तो मैं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। नो स्टार्टिंग टॉर्क, बिल्कुल रौनक ने तो लाइन पकड़ रखी है, नो स्टार्टिंग टॉर्क, क्यों? क्योंकि ये सेल्फ स्टार्टेड नहीं होती। चलो कोई एक मेथड बता दो यार इसे स्टार्ट करने का, कोई एक मेथड बता दो इसे स्टार्ट करने का, जल्दी बताओ। बिल्कुल बिल्कुल सही बात, विकास ने जब खुद ही चालू नहीं होता, बिल्कुल डैम्पर वाइंडिंग, बहुत सही बहुत सही, जब स्टार्ट हो जाएगा तो स्लिप का वैल्यू जीरो हो जाएगा, बिकॉज एन एस बराबर एन आर हो जाएगा। चलो गुड गाइस, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो भाई, ये न्यूमेरिकल है इसे अच्छे से करना, पहले बता रहा हूं मैं, न्यूमेरिकल को अच्छे से करना हर हाल में। क्या होगा जल्दी बताओ, गुड गुड गुड, प्रिया प्रिया वेरी गुड, ये क्वेश्चन सबसे पहले सॉल्व किया तुमने, देन रिची देन रौनक, बहुत अच्छे गाइस शाबाश, करना क्या है यार कुछ नहीं करना, ठीक है तुम क्या करो, तुम बस एंगुलर स्पैन निकाल लो कितने का होगा, तो यार कुछ नहीं 360 जो है आपका 180 by 90 कितना मिल गया तुम्हें सर जी 20 degree, यही वैल्यू तुम्हारा के लिए क्या हो जाएगी, अल्फा की वैल्यू हो जाएगी, स्पैन क्या है 8 slot pitch का दिया हुआ है, ठीक है तो बस कुछ नहीं करना आपको, रट लो इन्हें, यस एक स्लॉट कितने का हो गया 20 का हो गया ना, स्पैन कितने का दिया है तो भाई 9 का है तो 1 माइनस तो भी 8 ही आ रहा है, तो ये तो फुल पिच हो गया बिल्कुल। चलो आगे चलें, ठीक है तो यानी आपका 8 तो ये हो गया 20 degree, 160 फुल पिच पे 180 तो कॉर्डिंग कितने की हुई सर 20 degree की, बस ऐसे करके करोगे ना यार कभी गलत नहीं होंगे, ये क्वेश्चन ये थोड़े उलझाने से लगते हैं लेकिन आपको सही से ध्यान करोगे तो एक एक चीज निकाल दोगे इनकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्विच यूनिट नीड नॉट टू बी व्हाट टाइप ऑफ वायर,
कहां पर जरूरत नहीं होती। कौन से स्विच इनमें से किसमें नहीं लगाते गाइस? बहुत बढ़िया, शाबाश, बिल्कुल न्यूट्रल में नहीं लगाते। मैंने बताया था फ्यूज हो गया, स्विच हो गया, बच्चे ये फेस में लगते हैं। अगर इसमें नहीं लगाया तो ये तो ऑन ही हो गया ना। डिवाइस के साथ, तो ये बात यार याद रखना, न्यूट्रल न्यूट्रल। चलो बी, देखो यार मैं तुम्हें एक बात बता देता हूं। नहीं बच्चे, न्यूट्रल में, न्यूट्रल में, ठीक है ना, ध्यान रखना। एक बच्चा ये पूछ रहा है सर एसएससी जेई 2020 का फॉर्म। भाई जो आपको बोला है उन्होंने करने के लिए, प्लीज आप वही करें, कुछ भी अपनी तरफ से एक्स्ट्रा ना करें फॉर्म में। अगर फॉर्म में उन्होंने बोला है ऐसा फोटो चाहिए तो ऐसा दें, वरना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बहुत प्रॉब्लम होती है। चलो, अपीयरिंग नहीं भर सकते यार, ये कैसी चीजें पूछते हो यार तुम्हें। चलो, द फंक्शन ऑफ सर्किट ब्रेकर जल्दी बताओ। हाँ देखो, अब यहां पर क्या है ना यार, प्रॉब्लम है। अब स्टूडेंट को क्या लगता है कि सर जी सर्किट ब्रेकर है फॉर मेकिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ द सर्किट। स्टूडेंट के दिमाग में यही डेफिनेशन फिट करी जाती है ना। तो यार ये जो है ये ऑन एंड ऑफ, तो उसने दिमाग दौड़ाया और बी आंसर दे दिया, और जिसने भी ये आंसर दिया टोटली गलत दिया। यार एक बात बताओ, सर्किट ब्रेकर अपनी मर्जी से सर्किट को, चलो मर्जी से तो ऑन कर लिया तुमने, तो क्या मर्जी से अपनी ऑफ कर सकता है? नहीं कर सकता ना भाई। जब तक आपका कोई एबनॉर्मल कंडीशन ना हो, रिले उसे कमांड ना दे, तो भैया ये इसलिए लगाया जाता है क्योंकि ये सर्किट को सेफ रख के पहले, वर्किंग एज एन सेफ गार्ड, ठीक है, वर्किंग एज एन सेफ गार्ड। थोड़ा यार लॉजिकली सोचो, उसने जब ये वाली लाइन दे दी साथ में ये भी लाइन दे रहा, वो इसलिए दे रहा है क्योंकि बच्चे को यही बताया जाता है कि मेकिंग एंड ब्रेकिंग, ऑन एंड ऑफ। अरे यही काम होता है क्या सर्किट ब्रेकर का? प्राइमरी काम होता है प्रोटेक्शन का, बिल्कुल, मतलब प्रोटेक्शन, बहुत सही। तुम्हारी फ्रीक्वेंसी मैच हो रही है यार मेरे साथ सभी की। चलो, इन द एल्यूमिनियम कंडक्टर द साइज इज यूज फॉर द सब सर्किट इन डोमेस्टिक। मेंटेनेंस में ऑफ करना पड़ेगा यार, मेंटेनेंस के टाइम भी सर्किट ब्रेकर थोड़ी होगा, तुम्हारी जरूरत है मेंटेनेंस के टाइम में, तब वो ऑफ हो रहा है, तो मेनली उसका पर्पस सेफ गार्ड है पहले। देखो यार अब इसमें ना ये एक तरीके का एम्बिगियस क्वेश्चन है, मतलब अगर आप इसे जितने भी डाटा को चेक करोगे तो आपको जगह जगह आंसर मिलेंगे, ये भी मिलेगा, ठीक है, बहुत से बच्चे इसका आंसर ये देंगे, बट मोस्ट ऑफ द थिंग आपको याद रखना है इसका राइट आंसर यही है 1.4। याद रखना, ठीक है, यह आंसर भी कुछ बुक्स में छपा हुआ है, ठीक है, बट राइट आंसर जो है शीट में भी है वो यही है। प्लीज टेक केयर, शायद इससे पहले वाले पॉइंट में भी मैंने अगर पहले कहीं कराया है तो गाइज याद रखना इसका आंसर यही है, यस 14/40, यस। तो यहां एल्यूमिनियम के लिए आपको जाना पड़ेगा बी के साथ, सी के साथ, और इसके साथ आप कॉपर 1.2,
ठीक है, 1/1.2, ठीक है, जो यशवंत भी बता रहा है। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग अप्लाइंग डज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट अपियर एज एन अनडिजायरेबल साइड इफेक्ट। हाँ हाँ मैं बताया था, तभी मैं तुम्हें कह रहा हूं, प्लीज मार्क इट 1.4, 1/1.4, ठीक है, इट्स राइट। देखो यार, वैक्यूम क्लीनर ही है इसका आंसर, सब सारे के सारे हीटिंग इफेक्ट पर है, बस यही वाला पार्ट नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल अनडिजायरेबल्स। चलिए नेक्स्ट, बताओ इनमें से कौन सा वाला कंडक्टिंग होंगे पॉजिटिव साइकिल के लिए डायोड। बहुत बढ़िया, पॉजिटिव नेगेटिव, तो यार सप्लाई ऐसे करके जाएगी ना। बैक टू द सोर्स है ना, तो ऑन कौन कौन हुआ, ये ऑन हुआ, ये वाला ऑन हुआ, ये ऑफ हुए, ये वाले ऑफ। तो गाइस जब पॉजिटिव साइकिल होगा तब क्या होगा, D1 एंड D2, नेगेटिव साइकिल होगा तो D3 एंड D4, समझ गए। बिल्कुल बिल्कुल, कैसे भी बना लो, समझ में आना चाहिए यार, है ना। अगले वाले के लिए क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा कि करंट ऐसे जाएगा इसके थ्रू, देन इसके थ्रू, वापस इसके थ्रू, ठीक है। चलो तो गाइस इसी के साथ आज अपन ने 40 क्वेश्चंस किए, अब जरा मुझे कहीं जाने का नहीं, एकदम भाग लो कि बस हो गया काम। मुझे ये बताओ तुम सबका स्कोर क्या क्या रहा, थोड़ा यार रिस्पेक्ट दे दिया करो थोड़ी बहुत है, अब तो वैसे भी इंटरनेट के जमाने में तो कुछ बचा रह नहीं गया, ठीक है। अरे भैया बिल्कुल रखने पड़ते हैं यार, तुम यार मुझे अपना स्कोर बताओ सबके सब, जल्दी बताओ किसने 30 out of 30 वाले कौन कौन है यार, सॉरी 40 out of 40 वाले। ओके रौनक हो गया, अरे यार इसकी टाइमिंग जो है 4 से 5 बजे होती है गाइस, इसके लिए अपन को माफी दे दो आज के लिए, है ना भाई, तुम सबसे माफी लेते हैं हम कि आज बस कुछ गड़बड़ हो गई, मेरे एंड से ही गड़बड़ हुई है। देखो ओमकार के 36, यशवंत 39, बहुत बढ़िया भाई, गोकू 35, मधु 36, सौरभ 30, सुमित 34, राजन 31, अर्चना 29, रोहित थोड़ा सा मेहनत की जरूरत है बट 20 अच्छा स्कोर है, अगर 20 सॉल्व किए 18 राइट 2 रॉन्ग गुड, तो पवन 37 गुड गाइस गुड शाबाश, जहीर के हैं 31, 23 लेट था सर आउट ऑफ 24 गुड अहमद, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, वो मेरे सेशन में लेट एट हो गए ना तो कुछ ना कुछ चीज यार तुम्हारी, अरे झूठ तो कोई बोलता ही नहीं यार, मुझे पता है यार बच्चे कोई झूठ थोड़ी बोलते हैं, राहुल सर के साथ जो कनेक्टेड है। चलो यार एफर्ट तो मैं और लगाऊंगा, बस तुम एक काम करना, देखो तुमसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, कल मुझे आज बच्चे कम हुए तो मैं थोड़ा डिमोटिवेट हो गया, कल के मेरे सेशन में यार तुम 100 लाइव बच्चे दे दो, दैट्स इट, और ज्यादा एफर्ट दूंगा, शेयर कर दो लाइक कर दो और कुछ नहीं चाहिए, सेशन को शेयर कर दो यार लाइक कर दो और कल एक बार 100 टच करा दो, ठीक है। ये 100 टच नहीं हो रहा गाइस, कल तुम सब एफर्ट करो, सेल्फ मिस्टेक वाले भी है कोई बात नहीं, तो कल यार थोड़ा सा मुझसे एक बार प्रॉमिस कर दो कि सर कल हम आपको 100 टच करा देंगे 4 से 5 बजे वाली क्लास, ठीक है।
मुझे यार ये बता दो। ठीक है देख लेंगे, बस गाइस 100 करा दो, पर एक बार टच करा देना फिर चाहे चले जाना। ठीक है चलो, अपना ध्यान रखो, तुम सबका बहुत बहुत शुक्रिया गाइस आने का। और मैं देख रहा हूं जिस तरीके से तुम सब एफर्ट लगा रहे हो, इस एफर्ट को जारी रखना आखिरी तक, आखिरी दिन तक। घबराने की जरूरत नहीं है, मम्मी पापा दोस्त फ्रेंड सर्किल क्या बोलता है, समाज क्या सोचता है, डोंट केयर। तुम सब अपने आप में हीरो, दैट्स इट। तुम सब, तुम्हारा दिल जो बोलता है यार उस पर यकीन करो, ये बात याद रखो। तो यार अगर लगता है तुम्हें राहुल सर आपके डाउट लेते हैं, ठीक है, या आपको कॉन्सेप्ट डिटेल में बताते हैं, या मेरी शक्ल ही अच्छी लगती है, या शक्ल भी अच्छी नहीं लगती, मजाक कर रहा हूं, तो मेरे साथ अगर आप पर्सनली कनेक्ट होना चाहते हैं और पूरी टीम के साथ पढ़ना चाहते हैं, तो आप राहुल वन वन के साथ अनअकैडमी पर ज्वाइन हो सकते हैं। अपना ध्यान रखो यार, शॉर्ट नोट्स बनाते रहो, रिवीजन करते रहो ज्यादा से ज्यादा। सुबह में कल क्लास होगी 10:30 बजे, स्पेशल क्लास, वहां नेटवर्क के क्वेश्चंस होंगे, आ जाना। चलो गाइस, टाटा बाय बाय, टेक केयर, आस्ता ला विस्ता। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इस वीडियो को शेयर कर दो ज्यादा से ज्यादा, और अपना ध्यान रखो। थैंक यू सो मच गाइस, मेरी खराब तबीयत भी ठीक हो गई तुम सबसे। तो चलिए भाई, जय महाकाल। ठीक है गाइस, बाय।